गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों के साथ सीए इंटरमीडिएट के लिए जो मई 2023 में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए पूरी लर्निंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का ये जो पूरा डिस्कशन है ये किन मुद्दों पे रहेगा वो मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। टुडे इज़ 3 फरवरी और मई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं सीए इंटर के, तो रफली हमारे हाथ में 3 महीने का वक्त है। अब इस 3 महीने में कैसे पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है नहीं करना है, रिवीजन टाइम कितना होना चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स आई शुड रिवाइज माई ईच एंड एवरीथिंग, छोटे से छोटी बात सब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे को वक्त देना, एक एक करके मैं सारी बातें डिस्कस कर दूंगा। कल ही येस्टरडे आई हैव फिनिश्ड माई ऑडिट बैच ऑल्सो, सो फॉर द मे 2023 एग्जाम जो मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं इनकम टैक्स लॉ और ऑडिट, पूरे नए बैचेस मैंने पूरे कंप्लीट किए हैं। लॉ में देर वर 83 क्लासेस, ऑडिट में आई थिंक 68 क्लासेस एंड इनकम टैक्स में अराउंड 80 क्लासेस। तो पूरा का पूरा तीनों नया लाइव एकदम फ्रेश बैच अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि सर जैसे फाइनल के लिए आपने 3 महीने का एक रिविजन प्लान बनाया वैसे इंटरमीडिएट के लिए भी बना दो, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इंटर और फाइनल में फ़र्क होता है, बहुत सारी बातें चेंज हो जाती हैं, तो मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन, प्लीज़ ध्यान देना। सबसे पहला काम करना है फ्री और शेड्यूल। देखो फरवरी के मंथ में ऑब्वियसली मैं जब ये प्लान बना रहा हूँ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम दोनों ग्रुप जाके एग्ज़ाम दोगे, बोथ ग्रुप, ग्रुप वन ग्रुप टू। लेकिन अगर मान लो कि तुम सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, सिर्फ ग्रुप वन या सिर्फ ग्रुप टू, तो तुम प्लान को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, तब तो अच्छी बात है क्योंकि तब तुम्हारे पास डबल टाइम है। मैं प्लान जो बता रहा हूँ वो 8 सब्जेक्ट के हिसाब से, और तुम एक ही ग्रुप दोगे तो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा, तो तुम्हारे पास तो डबल टाइम हो जाएगा हर चीज़ के लिए, है ना। बाकी तुम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम बोथ ग्रुप देने जा रहे हो अभी मे टर्म के एग्ज़ाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लास्ट टू मंथ्स एकदम फ्री रखना, मार्च एंड अप्रैल, ये तुम्हारा कंप्लीट एकदम एम्प्टी स्लॉट होना चाहिए और इसमें तुमको घर पे बैठ के ज़बरदस्त पढ़ाई करनी है, विच मीन्स दैट यू शुड फिनिश ऑल योर 8 सब्जेक्ट का ट्यूशंस एंड क्लासेस बाय 28 फरवरी। ये एकदम है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्री योर शेड्यूल। आपको अपना शेड्यूल खाली करना है, बाय 28 फरवरी आप अपने सारे सब्जेक्ट के ट्यूशंस ख़त्म कर लो। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मैंने अभी तक EISM का ट्यूशन नहीं लिया या वो नहीं लिया, मैं क्या करूँ। मेरा सारे स्टूडेंट्स को एक ही हमेशा सजेशन रहता है कि आई डोंट टीच EISM बट आई ऑलवेज सजेस्ट द राइट थिंग टू डू। द राइट थिंग इज़ कि आप किसी भी टीचर का क्लासेस ले लो। देखो अगर मनी की प्रॉब्लम नहीं है तो इट इज़ वेरी गुड टू टेक द क्लासेस ऑफ एनी टीचर, बिकॉज टीचर तुमको इमीडिएटली बहुत कम टाइम पे पूरे सब्जेक्ट का जो सबसे अच्छा पोर्शन है वो तुरंत तुमको टीच कर देगा, तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। वही चीज़ तुम सेल्फ स्टडी करने जाओगे, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा तुम्हारा और वो लेवल भी नहीं आएगा। टीचर उसी सब्जेक्ट में तुमको सारा एक्सपर्ट नॉलेज एक बार में दे देता है। तो माय सजेशन इज यू शुड टेक क्लासेस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, और नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है ना वो अपना तुम फ्री रखो फॉर रिविजन पर्पस, ओके। नाउ आज 3 फरवरी है, तुम आज एक सेल्फ असेसमेंट करो। सेल्फ असेसमेंट मतलब कि यू हैव टू फिनिश ऑल योर 8 सब्जेक्ट्स का क्लासेस बाय दिस मंथ फरवरी। तो तुम एक सेल्फ असेसमेंट करो कि ये मेरे 8 सब्जेक्ट है, इसमें मैंने कौन से सब्जेक्ट का कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने अपने एक एस्टिमेट के हिसाब से बनाया, ऑब्वियसली हर किसी स्टूडेंट का अपना थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट होगा। आई बिलीव कि तुम्हारे ये पहले 3 पेपर के सारे क्लासेस हो गए होंगे। टैक्स में अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो आई थिंक GST बचा होगा, इनकम टैक्स हो चुका होगा। अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंट्स 50% तुमने क्लासेस अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ऑडिट मेरा बैच कन्फर्म हो चुका है, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। EISM अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया या किया है तो तुम 20% ही कर रखे होगे, और FME को लगभग 50% वगैरह तो तुम करके रखे होगे। तो दैट इज़ माय एस्टिमेट कि इतना परसेंट क्लासेस अब तक तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, पेंडिंग चैप्टर्स बहुत कम होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल भी मेरे हिसाब से है जो मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज सारे स्टूडेंट्स को जो ईजी लगता होगा, हार्ड लगता होगा, मॉडरेट लगता होगा, हो सकता है तुम इसमें थोड़े डिफरेंट हो। हाँ हो सकता है मुझे जो हार्ड लगता है तुम्हें ईजी लगे या मुझे जो ईजी लगता है तुम्हें हार्ड लगे, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल एंड द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू नीड। तो ये प्लॉट कर लो। फरवरी में तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 3 फरवरी है, 28 का महीना है, तो आज के दिन को अगर मैं छोड़ दूँ तो यू हैव गॉट 25 डेज। 25 डेज अगर तुम 12 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हो तो 25 दिन इंटू 12 घंटा 300 घंटे होते हैं,
तो यू हैव टोटल 300 आवर्स जिसको यूज़ करना है मैक्सिमम, और अपने सारे पेंडिंग सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट करने हैं। आई रिपीट, अपने सारे पेंडिंग सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा एफर्ट लगाओ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, एकदम अलर्ट पोजीशन पे घर पे कर रहे हो चाहे टीचर के जाके कर रहे हो, तो जैसे भी कर रहे हो मतलब बी अलर्ट, और 300 घंटे का मैक्सिमम यूज़ करके जितने भी पेंडिंग क्लासेस है वो फिनिश कर लो। तो फर्स्ट काम तो ये है कि हमको किसी भी तरह फरवरी में 8 सब्जेक्ट्स की क्लासेस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग मूव करते हैं रिविजन मोड में। तो तुम्हारे पास 2 महीने रिवाइज़ करने के लिए, मार्च एंड अप्रैल। मार्च अप्रैल में 1 दिन या 2 दिन तुम्हारे वेस्ट होंगे होली फेस्टिवल में। ओके, होली फेस्टिवल में अगर तुम मतलब बहुत ज़्यादा खेलते वगैरह नहीं भी हो, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है, तो भी सराउंडिंग सरकमस्टांसिस की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो जायज़ है। तो तुम मान के चलो कि 1 दिन तो होली का वेस्ट होगा ही, तो अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो यू हैव गॉट 60 डेज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल मिला के, और अगर 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो यू हैव गॉट 720 आवर्स अवेलेबल। तो अगर मैं 8 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 90 आवर्स है। ओके, यू हैव गॉट 90 आवर्स फॉर रिवाइजिंग ईच सब्जेक्ट आराम से, जिसमें आराम से हो सकता है। जैसे स्टूडेंट कई बार बोलते हैं कि सर हम कैसे रिवाइज करेगा इतना, तुम कर लोगे, वो एक कैपेबिलिटी आ जाती है। कल ही मैंने जब इंटर ऑडिट का बैच कंप्लीट किया था तो मैंने इंटर ऑडिट का रिविजन प्लान बनाया था, उसमें टोटल 78-80 आवर्स का प्लान है वो, तो 80 आवर्स में तो ऑडिट रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पर सब्जेक्ट कितना दिया है, 90 आवर्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रिविजन टाइम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेजर सम्स होते हैं, तो हम लोग को सारे सम तो कोई लिख के करने नहीं होते, सम्स का बस सॉल्यूशन रीड करके अप्रोच याद करना होता है। तो मैं रिविजन कैसे करना वो ही बताऊँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो 90 आवर्स इज़ गुड इनफ टाइम फॉर रिवाइजिंग वन सब्जेक्ट, आराम से रिविजन करके जा सकते हो। फोर्थ, प्लान हमेशा ना वीकली बनाओ, और हर हफ्ते मंडे जो बिगिनिंग डे होता है उस दिन अपने प्लान को एक बार रिव्यू करो। देखो आज ही बैठ के अगर तुम पूरा प्लान बना लो बेस्ड ऑन कि इस हफ्ते जो मैंने प्लान बनाया था और मैं कितना अचीव कर पाया हूँ नहीं कर पाया हूँ, मेरा आगे का प्लान तो चेंज होगा। तो इसीलिए हर मंडे को अपने प्लान को रिव्यू करो और देखो कि उसमें क्या चेंजेस करने, क्या सब्जेक्ट चेंज करने हैं। सेकेंड, प्लीज़ इस बात को मद्देनज़र रखना कि मूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कोई बहाना नहीं है। पढ़ाई करना इज़ अ हाईली क्रिएटिव प्रोसेस, माइंड का काम है पूरा, और माइंड भी मसल की तरह थकता है। तुम अगर आज जिम में जाके कसरत भी कर रहे हो तो एक बार में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, पर पढ़ाई हम लोग 12-12 घंटे का प्लान बनाते हैं तो माइंड भी तो यार थक जाता है ना, और पूरा ब्रेन का हैवी ब्रेन वर्क है इसमें। तो तुमको अपने मूड को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बीच बीच में कोई कोई दिन ऐसा होगा जो तुम्हारा वेस्ट जाएगा, तुमने जो प्लान किया वो नहीं हो पाया, 50% हो पाया, ठीक है, गुड, गिल्ट में मत रहना, जितना समय बचा उसमें अपनी जान लगा देना, ठीक है। परफेक्शन और परफेक्ट 100% रिविजन कभी नहीं हो पाता, बस तुम अपनी तरफ से लगे रहो, थिंक योर सेल्फ। जैसे मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी ना, मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था, मेरा मैं पैनिक हो जाता था कि मेरा मन करता था मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ, वो तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ जाती थी एकदम प्रेशर लेके कि नहीं देना पड़ेगा, और मैं मजबूर होकर पढ़ने लगता, वरना मैं तो कब का एग्ज़ाम स्किप कर देता, मैं तो बोर्ड एग्ज़ाम भी स्किप करने वाला था, 12th का बोर्ड, ऐसा हालत है। तो मैं बहुत नर्वस होता था, तो मुझे एक चीज़ बहुत हेल्प किया कि मैंने सोचा कि यार लेट मी वर्क लाइक अ रोबोट, वो जो एक भगवान कृष्ण का कहावत है ना, इस टाइम पे मेरे को बहुत हेल्प किया, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मतलब थिंक योरसेल्फ लाइक अ रोबोट, कि बस हमको रोबोट की तरह पढ़ना है, पास फेल से मतलब नहीं है। तो वैसे पढ़ो, थोड़ा सा इमोशनलेस होके पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा पैनिक और नर्वस हो जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। नंबर 5, पढ़ने की मेथडोलॉजी क्या होगी। राइटिंग एंड प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ लिख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो झूठी बातें हैं। याद करने से ही होता है, जब तुम एफर्ट मारते हो याद करने के लिए तभी याद होता है। तो तुमको करना क्या है, डोंट राइट एंड प्रैक्टिस, सीधा सम्स वगैरह के अप्रोच याद करो, थोड़ा बहुत स्क्रिबलिंग कर लो, डूडलिंग कर लो, दैट्स ओके, बट पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में तुम्हारा एटीट्यूड रीड करने का नहीं होना चाहिए, मेमोराइज करने का होना चाहिए। लर्न, डोंट रीड, इंस्टेड लर्न। थ्योरी सब्जेक्ट को जब भी रिवाइज करो तो तुम्हारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि अगर यही चीज़ मुझसे पूछी गई एग्ज़ाम में तो क्या मैं लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा। तो लर्न करो, रीड मत करो, ठीक है।
कंप्लीट कवरेज, बाप रे इसके ऊपर तो मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। 100% कंप्लीट कवरेज करके जाना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना मत। तुम जिस चैप्टर को छोड़ोगे उससे आसान क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो इजीली क्रैक हो जाए। ऐसा बहुत बार होता है कि हार्ड चैप्टर को स्टूडेंट छोड़ देता है कि मेरे से नहीं होगा, और उससे एकदम ईजी क्वेश्चन आया। और जिस चैप्टर पर तुम बहुत विश्वास करके गए, मतलब बढ़िया से पढ़ के, उससे हार्ड आ गया, तुम नहीं कर पाए। तो प्लीज़ कोई चैप्टर छोड़ो मत। इसीलिए मैं कितनी बार स्टूडेंट्स को ये सजेशन भी देता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले आप मैराथन वगैरह वीडियोस देख के मत जाओ। मैराथन वगैरह शुरू में करने का होता है कि एक बार एक समझ में आ गया, पूरा ग्लिम्स मिल गया, मतलब 2 महीने पहले एग्ज़ाम की देख लिया, दैट्स ओके। पर एग्ज़ाम में तुम सोचोगे कि तुम मैराथन रिविज़न कर लियो और हो गया तुम्हारा, और तुम जा रहे हो, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। वो मैराथन नहीं, वो तुमने अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट किया है। क्योंकि किसी भी रिवीजन या मैराथन वीडियो में 100% कवरेज कभी नहीं होता। कैसे हो सकता है? जिस चीज़ को पढ़ाने में 150-200 घंटे लगे हैं, उसको हम 10-15 घंटे में कैसे निचोड़ पाएंगे? हमको तो टॉपिक कट करना ही पड़ेगा ना। तो मैराथन का दोष नहीं है, दोष ये है कि हम मैराथन के भरोसे एग्जाम में चले गए बेवकूफ़ की तरह। मैराथन का पर्पज़ क्या होता है? टू गिव यू अ बूस्ट। जैसे एग्जाम के 2 महीने पहले तुम एक सब्जेक्ट पढ़ के पढ़ने बैठे, तुम्हारा रिदम नहीं जम रहा है, तो चलो मैराथन देख लिया तो एक मोमेंटम आ गया, बस दैट्स ऑल। बाकी उसके भरोसे तुम एग्जाम में नहीं जा सकते। जो किताब और बुक से रिवीजन होता है ना, 100% रिवीजन, उसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो प्लीज कंप्लीट कवरेज करना। 6, एक दिन में सर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? एक दिन में ज्यादा सब्जेक्ट मत ठूसो, क्योंकि एक सब्जेक्ट में जब तुम घुसते हो ना, तो तुमको 15 से 20 मिनट लगता है उस सब्जेक्ट के रिदम में आने में। ठीक है, तो तुम अगर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में करोगे, तुम्हारा माइंड ऐसे टक 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 चेंज करता रहेगा, तो डोंट डू दैट। ओके, तुम एक दिन में ऑप्टिमम 2 सब्जेक्ट रखो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। तुम लोग के प्रैक्टिकल में 5 सब्जेक्ट है और थ्योरी में 4 सब्जेक्ट है, मतलब जैसे अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, एडवांस्ड अकाउंट्स और FM, ये हो गए प्रैक्टिकल। इसमें से एक उठा लो कोई भी, और थ्योरी में तुम्हारे लिए है लॉ, ऑडिट, EISM और इकोनॉमिक्स, उसमें से कोई एक उठा लो। तो ऐसे मिक्स करके करो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। एक दिन में 2 सब्जेक्ट काफी है। और एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं, एक हफ्ते में ऑप्टिमम 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, उस तरह से करो। ज्यादा सब्जेक्ट एक बार में क्रैम करोगे ना, तो ब्रेन में कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो हम लोग बोलते हैं ना, सर पढ़े तो याद नहीं रहता, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो माइंड बार बार, माइंड का जो फ्लो है, रिदम है, वो चेंज होता है, तो तुम लंबा रिटेन नहीं कर पाओगे। पर उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई करो। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग एग्जाम के दौरान जो हमको 16 दिन का समय मिलता है, उसको तो हम काउंट ही नहीं करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जाम के बीच में आपको कम से कम भी 40 आवर्स का गैप मिल रहा है, जिसमें आप 30 आवर्स तो पढ़ सकते हो अच्छे से। वो 30 आवर्स तुमको एकदम गॉड लेवल का नॉलेज पहुंचा देता है, क्योंकि उस वक्त तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। सोचो, एक एग्जाम दे के आए, अब परसों दूसरा एग्जाम है मेरा, तो 1.5 दिन का गैप है। इस 1.5 दिन में तुम कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, दिमाग में वही घूमेगा, एकदम भयंकर लीवरेज होगा, भयंकर लीवरेज। तुमको तुम्हारी लैंग्वेज एकदम टीचर जैसी हो जाएगी, तो तुम आज भले ही भूल गए, उस वक्त पूरा का पूरा याद रहेगा। तो डरना नहीं है, वो उस समय एग्जाम में अपने आप वो समझ जाता है। हम लोग वो 16 दिन को तो काउंट ही नहीं करते, कि उसमें भी तो रिविजन हो रहा है, उसमें भी तो पढ़ाई हो रही है हमारी। ठीक है, 8 नंबर, इसको लेकर ना मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर कितनी बार रिवाइज करना चाहिए? एक बार भी रिवीजन भी काफ़ी है, एक बार भी अगर तुमने ढंग से रिवाइज किया काफ़ी है। वो 3 बार 4 बार वो सब सब एक ना गणनाएं हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे कितने फ्रेंड्स होते थे, मैं फ़ोन पे बात करता था, मैं डरा हुआ रहता था एग्जाम के लिए, फ़ोन बात करता था कि तुमने रिवाइज कर लिया क्या, मेरा तो अभी तक हुआ ही नहीं है। वो बोलता था मेरा 2 बार हो गया, 3री बार चल रहा है, और रिजल्ट आने पर पता चलता कि मेरा रैंक है वो फेल है। तो यार ये जो गिनती का गेम नहीं है कि 3 बार रिवीजन, 5 बार रिवीजन, एक बार ही करो, ढंग से करो, बढ़िया से करो। दूसरा आता है कि सर मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह दूं कि नहीं दूं? मॉक टेस्ट सीरीज़ को लेके माय क्लियर ओपिनियन इज़, मॉक टेस्ट तुम अपने आप को जज करने के लिए मत दो, क्योंकि अभी अगर तुम मॉक टेस्ट देते भी हो, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, उस तरह का तुम्हारा तैयारी नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, तो ये सोच के दो कि चलो इस बहाने मुझे कुछ नए क्वेश्चन आंसर सीखने को मिल जाएंगे। वो एटीट्यूड अगर है, लर्निंग का एटीट्यूड, तब तो मॉक टेस्ट करो। लेकिन जज करने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एकदम बेवकूफ़ी है। बिकॉज हर बार जब तुम एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे, तुम्हारे नंबर अलग अलग आएंगे, सेम नंबर कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। एक ही सब्जेक्ट का मैं तुम्हारा अगर 6 बार एग्जाम लूँ, हर बार तुम्हारे डिफरेंट मार्क्स आएंगे, तो तुम टेस्ट से अपने आप को जज नहीं कर सकते। प्लस हमारी तैयारी जो रियल एग्जाम में होती है ना, वैसी तैयारी कभी भी
वैसा डेडिकेशन सिंसेरिटी कभी भी एक सिम्युलेटेड टेस्ट में मॉक टेस्ट में नहीं हो सकता, तो ऐसे भी नंबर खराब ही आएंगे तो तुम अपना अपना कॉन्फिडेंस तोड़ लोगे फालतू का। और इससे क्या होता है, स्टडी प्लान भी बहुत डिस्टर्ब होता है। जैसे तुमने अपना एक स्टडी प्लान बनाया कि इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अब अगर अचानक से तुमने मॉक टेस्ट ले रखा है और तुमको मालूम है कि ओहो संडे को मेरे को ये एग्जाम देना है, तो तुम्हारा तो पूरा स्टडी प्लान हिल गया, क्योंकि अब तो तुम्हारे दिमाग में वो टेस्ट दिखेगा और उस टेस्ट के हिसाब से तुम वही सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओगे, तो इट विल डिस्ट्रॉय योर स्टडी प्लान ऑल्सो। तो मॉक टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, रिविजन एक बार करो, ढंग से करो, ज़्यादा ये सब मिथ वगैरह में मत फंसो। देखो हर किसी का जो तरीका होता है अलग होता है। अ पर्टिकुलर मेथड जिसको किसी और ने इस्तेमाल किया और वो सक्सेसफुल हुआ, ज़रूरी नहीं कि वो मेथड तुम पे कारगर साबित होगा, तुम्हारे लिए वो मेथड नुकसानदायक हो सकता है। तो तुम अपने आप को देखो, अपने हिसाब से जज करो। ये जो पूरी की पूरी गाइडेंस मैंने डिस्कस की है, इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। ज़रूरी थोड़ा ना कि सर जो बोल रहे हैं वही प्लान एग्जैक्टली फॉलो करना है, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। हर स्टूडेंट की तैयारी का लेवल अलग है, कोई बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, कोई अंडर प्रिपेयर्ड है, तो तुम अपने हिसाब से प्लान को चेंज कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं लर्निंग स्ट्रैटेजी को लेकर, छोटी बड़ी सारी। और भी कोई बातें अगर मुझसे छूट गई है तो तुम वो कमेंट में डाल के मेरे से पूछ सकते हो, जब मुझे मौका मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप दिस प्लान हेल्प्स यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।